हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। छापर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज़ 5 का एपिसोड 3, जो कि बेस्ड है अर्थ 555 पर, जहाँ पर नाइट्स के बीच में लड़ाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्विक रिकैप, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? एक रोबोट पर, एक डक पर, एक काउ गर्ल पर, या फिर इन बच्चों पर? तो इनमें से आपका बच्चा कौन सा है? चलिए छोड़िए, बहुत बुरा जोक था। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ 555 पर एक डार्क नाइट, जो कि एक वॉरियर था, अपने राजे के प्रति एक वफादार सेवक। उसके माता पिता भी उसी की तरह वफादार थे। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की एक किले में भेजती है, जहाँ पर एक बुक थी जो थी डार्क होल्ड, जो उसके हाथ आते ही उसे समन कर लेती है और उसे पजेस करके बना देती है एक डार्क नाइट असली में। वही दूसरी तरफ एक आदमी एक बूढ़े आदमी को तंग कर रहा था और साथ ही उसके परिवार को भी बेरहमी से मारने वाला था। तभी वो थंडरर यानी के थॉर को समन करता है उसकी रक्षा करने के लिए। और तभी वो पीछे देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज चलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे और बाद में वो लोग उसे काट लेते हैं। ये देखकर उस आदमी को लगता है कि गॉड ऑफ थंडर ने उन लोगों को भेजा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके जरिए मारे गए लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वो सभी उन लोगों को भी मार देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन ज़ॉम्बी नाइट्स की एक पूरी सेना फोर्ट के बाहर खड़ी थी। और वहीं पर आ जाते हैं मशीन मैन हावर्ड और चकाली के। उन लोगों को देखते ही ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी उस जायंट रोबोट का पैर तोड़ देता है, जिस वजह से वो जायंट रोबोट अंदर आकर गिरता है उस फोर्ट की वॉल पर, जिस वजह से वो तीनों अंदर आकर गिरते हैं और उन तीनों को घेर लेते हैं वहाँ के सोल्जर्स। और उन्हें मिल जाता है एक लोहार, जिससे मशीन मैन कहता है, अगर तुम एक लोहार हो तो मुझे अपनी भट्टी पर ले चलो, ताकि तुम मेरे गाइडेंस में मेरे लिम्स के लिए स्टील बना सको और बुलेट्स के लिए लीड बना सको, और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ एडवांस मेटलर्जी की टिप्स दूंगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है लॉर्ड एडमिरल, जो कि उस डक को यानी कि हावर्ड द डक को मारने के ऑर्डर्स देता है। और एक सोल्जर उस पर अपनी तलवार रोक के खड़ा ही था कि तभी चकालिकेन उसके हाथ से वो तलवार लेकर लॉर्ड एडमिरल के सर पर लगाते हुए कहती है, अगर हिले तो गर्दन काट दी जाएगी। और हावर्ड से पूछती है कि ये किस तरह के ज़ॉम्बीज है, जिस पर हावर्ड उसे बताता है कि ये पोजेस्ट टाइप 834 है, जो कि है रायमी। और ये सुनते ही चकाली एक डील करती है कि अगर मैंने इसका रिसोर्स तबाह कर दिया तो तुम मेरे दोस्त के लिए कुछ मेटल्स का इंतजाम करोगे। लेकिन हावर्ड डक उसे कहता है, और ऐसा करने के लिए तुम अकेले जाओगी है ना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। जिस पर जकाली कहती है, मेरी बात सुनो, यहाँ से जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है और मुझसे ज़्यादा स्पीड किसी के पास नहीं होगी, इसलिए मैं जल्दी से जाऊँगी और उस रिसोर्स को तबाह करके वापस आ जाऊँगी। और थोड़ा नाटक करने के बाद हावर्ड डक मान जाता है। तब एडमिरल कहता है, अगर ये ऐसा करना चाहती है तो इसे हमारी तरह ड्रेस करना होगा, और इसके लिए वो अंदर जाती है ड्रेस पहनने के लिए, जिसे देखकर हावर्ड डक कहता है, हमारी गर्ल अब बड़ी हो चुकी है। जिस पर मशीन मैन कहता है, तुम क्या कह रहे हो, हम तो सिर्फ एक हफ्ते पहले ही मिले इससे। थोड़ी देर बाद जब वो नाइट्स के जैसे कपड़े पहनकर बाहर आती है, तब गेट की तरफ देखकर एडमिरल कहता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा खोलो ताकि ये बाहर जा सके। और पोजीशन लेकर जकाली केन कहती है, पूरी तरह से मत खोलना, बस उतना ही खोलो जितने में मैं बाहर जा सकूं। और थोड़ा गेट खुलते ही वो उसमें से बाहर चली जाती है और सब ज़ॉम्बीज को काटते हुए आगे बढ़ने लगती है। जकाली केन उस डिवाइस के जरिए उस सोर्स तक पहुंचने जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे बीच में रोककर कहते हैं, इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है जकाली, क्योंकि सर पर्सी ने ये जान लिया है कि इसका ट्रुथ क्या है और तुम्हें भी इसी की ज़रूरत है। लेकिन वो उन सबको मारते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद वो मिलती है डार्क नाइट से, जहाँ पर अभी भी वो बुक उसके हाथ में थी, जिस पर वो कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है। जिस पर वो पावर उससे कहती है, ये एक ट्रुथ है जिस वजह से सारे लोग वापस जिंदा हो रहे हैं, और यही ट्रुथ तुम्हारे मम्मी और पापा को भी वापस ला सकती है। लेकिन उस पावर को तीर मारते हुए जकाली कहती है, मेरे पापा और मम्मी जब मर गए तब वो इन्फेक्शन के शिकार हो गए और मैंने उनकी मदद की उन्हें इससे आज़ाद करके। और ऐसा कहते ही वो डार्क नाइट की तलवार उठाकर उस बुक में घुसेड़ देती है और इसी के साथ वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। और थोड़ी देर बाद एरॉन अपने लिम्स के साथ बाहर आता है, जिसे देखकर डक कहता है, तुम काफ़ी प्रिटी लग रहे हो। जिस पर मशीन मैन कहता है, तुम बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हो,
अब मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट अल्टरनेट वर्स कौन सा है, और दुआ करो कि वहाँ पर सोल्डरिंग गन इन्वेंट हो चुकी हो। इस पर वो बताता है कि आगे का अल्टरनेट वर्स है अर्थ 8410, और उसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है। जिस पर जकाली पूछती है कि क्या हुआ हावर्ड, इस पर वो बताता है जिस अल्टरनेट वर्स में हम जाने वाले हैं वहाँ पर पहले से ही एक अल्टरनेट वर्जन मौजूद है मशीन मैन का और चोकास्टा का भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसका एंड अच्छा हो सकता है। और वो तीनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी अंदर उस लॉर्ड एडमिरल के सामने आ जाता है थॉर, जो कहता है किसने मेरे वर्शिपर को तकलीफ दी, मुझे बताओ, मैं उसकी यहाँ पर मदद करने आया हूँ।